हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर रितु। आज की वीडियो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून बूस्टर्स के बारे में, जो इस समय आप ले सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को होने वाले आसपास के सारे डिजीजेस से, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आप जो है ठीक रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग आप बहुत अच्छे से अपना डेली रूटीन वर्क कर सकते हैं। आजकल हम सेल्फ मेडिकेशंस की ट्राई करें कि सेल्फ मेडिकेशन करें, कुछ काढ़ा लें, कुछ होम रेमेडीज लें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को रेज रखने के लिए और अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो होम्योपैथी में हमारे पास जब भी पेशेंट आ रहा है या हम किसी को रेकमेंड करें, वो ट्रू एंड ऑनेस्ट रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगी। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फर्स्ट है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसिन आपको लेनी है, वन ऑफ द वंडरफुल इम्यून बूस्टर्स। जो मैंने अपनी कोरोना वायरस की प्रिवेंटिव मेडिसिन पर एक वीडियो अपलोड किया था, उस समय भी मैंने कहा था कि इस मेडिसिन को लेने से बहुत हद तक आपकी इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाती है एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द वायरसेस। तो इसको बिल्कुल उसी तरह से लेना है आपको। 3 डेज तक, कंजेकेटिव 3 डेज, सुबह सुबह 4 से 5 बूंदे अपने टंग पर डायरेक्टली डालने हैं, अपने फैमिली को देना है, अपने रिलेटिव्स को देना है और खुद भी देना है। 3 डेज तक सुबह सुबह उठकर बिल्कुल खाली पेट 5 से 6 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप भूल जाते हैं खाली पेट लेना तो आप 1 घंटे रुक कर ले लीजिएगा, बट डोंट स्किप द मेडिसिन इन बिटवीन। आप सोचें कि आपने फास्टिंग नहीं ली तो आप उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं कीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लीजिए, लेकिन 3 कंजेकेटिव डेज तक आपको उसे लेना है। सेकेंड, अ वेरी वंडरफुल इम्यून बूस्टर आमस से जो कि है, वो है भारत फाइटोलैब कंपनी का एग्यूमिन। नाउ बहुत सारी कंपनीज जो है अपने अलग अलग फीवर के और ये सारे ड्रॉप्स लेकर आती है, लेकिन भारत फाइटोलैब कंपनी जो है अपना एक इस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, जो डेंगू के लिए था बेसिकली। चिकनगुनिया एंड डेंगू के जो आता था सीजन, उसके लिए बेसिकली दे प्रिपेयर्ड इट, उसके प्रिवेंशन के लिए उन्होंने इस मेडिसिन को चालू किया था। आई मस्ट टेल यू, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है और मैं सिर्फ आपसे बड़ी शेयर कर रही हूँ जो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है एंड इट वर्क वंडरफुली, सो इट इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, भार्गव फाइटोलैब कंपनी का ये जो एग्यूनिल है, इसका नाम है एग्यूनिल। बेसिकली इट रिमूव्स ऑल द मलेरिया लाइक सिम्टम्स। लेकिन अगेन वी मूव ऑन टू द कॉम्पोजिशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्पोजिशन क्या है। ये जो कॉम्पोजिशन है, जो मेडिसिन इसमें डली है, वो क्या क्या कर सकती है, वो आपके टेम्परेचर को कम डेफिनेटली कर सकती है, वो आपको प्रिवेंशन दे सकती है सब तरह के वायरल डिजीजेस से। थर्ड वन, वो आपके WBCs को बढ़ाती है, वाइट ब्लड सेल्स को, जो कि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए है। आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाती है, जो आजकल काफ़ी लोगों के कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट में जो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज्ड आ रहा है विदाउट एनी रीजन, वायरल फीवर में वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनका प्लेटलेट काउंट रिड्यूस है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। वो आपके टेम्परेचर को भी कम कर देगा, ठीक कर देगा, आपकी वीकनेस को भी कम कर देगा, साथ ही साथ आपके प्लेटलेट काउंट को भी रिड्यूस होने से बचाएगा, रोकेगा एंड प्रोग्रेसिवली से इंक्रीज कर देगा। तो ये प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करती है। प्लेटलेट का काम क्या है, अगर आपकी बॉडी में जितनी भी कट्स एंड वूंड्स लग जाते हैं, उन ब्लीडिंग को टाइमली स्टॉप करना, तो आपकी बॉडी से किसी भी तरह का लॉस ऑफ ब्लड नहीं होने देते प्लेटलेट। आपकी चोट लगी हुई पर एक क्लॉट को प्रिपेयर करना, वो प्लेटलेट का काम है। तो प्लेटलेट को ये बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसको डेंगू में, चिकनगुनिया में, मलेरिया में, वायरल फीवर में किसी में भी ले सकते हैं। इसका एक काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, एंटी पायरेटिक, बुखार को ठीक करता है, एंड एंटी एनाल्जेसिक, दैट मीन्स आपके पेन्स को रिलीव करता है। सो एनाल्जेसिक है, सो दैट्स वेरी वेरी आई मस्ट से कि आप जब अलग अलग इतने सारे, दो आई ट्राई कि मैं पेशेंट को हर चीज़ अलग अलग देती हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, लेकिन अब हमारे पास पेशेंट जो है वो विजिट पर्सनली नहीं करेगा ड्यू टू COVID-19 की वजह से। पेशेंट जो है पर्सनली नहीं आएंगे, वो यही चाहेंगे या आप लोग यही चाहेंगे कि आपको घर बैठे कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केस टेकिंग नहीं देनी पड़े और आप जो है अपनी अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रख सकें इस प्रॉब्लम से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर बैठे विदाउट एनी प्रॉपर केस टेकिंग एंड स्केड्यूल मेकैनिज्म, होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन का, वो सब दिए बिना आप इस तरह की कोई चीज़ लीजिए जो कि मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। एग्यूनिल जो है, इसमें जो मेडिसिन है वो है ऑसमम सैंक्टम, तुलसी, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे बताया था कि तुलसी के बेनिफिट्स भी ऑल नो, एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट से रिच होती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इस दौरान
तुलसी तो हर कोई ले रहा है, तो हमें होम्योपैथिक तुलसी लेनी है विच इज ऑसिमम सैंक्टम, क्यू में है। इसमें अजाडी रक्षता इंडिका है क्यू में, जिसे हम नीम कहते हैं। इसमें रश्टॉक्स है जो कि आपके बोन पेन्स को रिलीव करती है। इसमें यूपिटोरियम है, अगेन आपके बोन पेन्स को रिलीव करती है, आपके फीवर को कम करती है। जेलसीमियम, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर की थी, जेलसीमियम अगर पेशेंट को बहुत वीकनेस है, बहुत नींद आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, बहुत डिजी हो रहा है, टेम्परेचर चढ़ रहा है, उतर रहा है, और एक्सट्रीम वीकनेस है, पेशेंट आंख भी नहीं खोल पा रहा है, बस आंखें बंद करके पड़ा है, दैट इज जेलसीमियम। सो जेलसीमियम ये 3x में है इसमें। एंड बेलेडोना, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, बेलेडोना इज अ फर्स्ट मेडिसिन जो हम हमेशा सोचते हैं। इन्फ्लेमेशन के केसेस में फीवर होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं बेलेडोना, हेडेक होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं बेलेडोना। सो बेलेडोना भी है इसमें 3x पोटेंसी में। ये आपकी इस पे बॉटल पे भी मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, बॉटल पे भी लिखा है कि आपके जॉइंट पेन को रिलीव करती है, अगर आपको नौसिया वॉमिटिंग हो रही है उसको रिलीव करती है, आपके हेडेक को, आपके फीवर को, ये सबको ठीक करती है। सो एग्रीनल एक कॉम्बिनेशन हुआ जो कि आप एट अ वेरी चीप कॉस्ट आप ला सकते हैं और ले सकते हैं, और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। एडल्ट्स में आपको एक चम्मच सुबह शाम लेना है, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को। बच्चों में इसका हाफ क्वांटिटी देना है आपको, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को। आपको चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सिवियर हो, आप इसकी जो मेंशन्ड जितना भी डोसेज है उसको आप बढ़ाइएगा नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि एक टेबल स्पून आप 3 times ले रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आप सुबह शाम लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रिवेंटिव की तरह भी काम करेगा, एंड इफ यू आर सिम्टोमेटिक तो सिम्टोमेटिक केसेस में भी बहुत अच्छा काम करेगा। सो आपको आर्सेनिक एसिड 30 लेनी है, और आपको लेना है एल्ब्यूमिन, ये 2 लेनी है आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, एज वेल एज अगर आपकी बॉडी, आपके फैमिली में आप खुद वायरल फीवर के लिए सफर कर रहे हैं तो आप इसको एल्ब्यूमिन को ले सकते हैं। अगर आपका प्लेटलेट काउंट रिड्यूस चल रहा है तो आप एल्ब्यूमिन को ले सकते हैं। सो एल्ब्यूमिन एंड आर्सेनिक एसिड 30 आपको ये लेना है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ वायरल फीवर का जो प्रीवियस वीडियो था उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, वायरल फीवर की उस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको और कौन सी मेडिसिन लेनी है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो अपने फिनिश करती हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, दे नीड इट डेस्परेटली, आई नो दैट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।